केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आई त्रासदी का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी लगातार रेस्क्यू जारी है। इस समय हम सोनप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो वैकल्पिक पैदल मार्ग बनाया गया है वहां से लगातार गौरीकुंड और पैदल रास्ते पर फंसे हुए यात्रियों को निकाला जा रहा है। यहाँ पर NDRF, SDRF, पुलिस, DDRF के जवान 4 दिनों से लगातार तैनात हैं और वो कठिन रास्तों से रस्सी के सहारे यात्रियों को निकाल रहे हैं। देखा जाए तो जो पैदल मार्ग पर फंसे हुए यात्री थे उनका रेस्क्यू पूरा हो गया है, अब मात्र गौरीकुंड में फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू आज होना है। पैदल मार्ग पर अब यात्री नहीं फंसे हैं, गौरीकुंड में भी यात्री नहीं फंसे हुए। केदारनाथ में आज मौसम साफ है और जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं वो केदारनाथ से यात्रियों को लगातार नीचे लाने का काम कर रहे हैं। सुबह से लगातार केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने भर रहे हैं। बताया जा रहा है कि केदारनाथ में 300 से 400 लोग हैं जिनका आज पूरा रेस्क्यू हो जाएगा और प्रशासन इसके बाद पैदल मार्ग का निर्माण कार्य करना शुरू कर देगा। प्रवीण सेमवाल,